इन्होंने अपनी शहादत दी और ये ऑपरेशन कल से चल रहा है। बलिदान वो देश के लिए कर रहे थे, तो हम मुझे ये कहते हुए बड़े शर्मसार हो रहा हूँ आज कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय अपना महिमा मंडन अपने ही लोगों के द्वारा अपने ही बीजेपी के हेडक्वार्टर में अपना ही महिमा मंडन कर रहे थे और उन पर फूलों की बरसात हो रही थी, फूल मालाओं से उनका स्वागत हो रहा था और वहाँ पर हमारे साथी गोलियों से छलनी हो रहे थे, हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे। जय हिंद दोस्तों, सेना के तीन कर्नल सेवानिवृत्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ी बात की, आपकी रूह तक हिल जाएगी कि एक तरफ मातम पसरा है, सेना के तीन अधिकारी जवान शहीद हुए हैं, देश शोक में है और इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है अनंतनाग और रजौरी में, और दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय में माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर फूलों की बारिश हो रही है, जश्न मन रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है इस देश में कि देश क्या सिर्फ अब सैनिकों का है क्या? देश की जिम्मेदारी सैनिकों की है, देश की रखवाली करना उनका काम है, देश के लिए मरना उनका काम है और देश के लिए जीना और एंजॉय करना इनका काम है। इसके ऊपर तीन कर्नल हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं और उन्होंने बहुत जबरदस्त बात कही। सबसे पहले उन्होंने 2 मिनट का मौन रखा, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने एक कविता के द्वारा कहा कि ये फूल किसको शोभा देते हैं, जरा सुनिए। ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, जरा आपको सुनना होगा। कहा है उन्होंने, चाह नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के विद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं और मैं इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। उन्होंने कहा है एक पुष्प की भी अभिलाषा होती है कि मुझे किसी देवता के सिर पर मत चढ़ाओ, किसी राजा के गले में मत डालो, किसी शादी में किसी की मंगेतर के गले में मत डालो, यदि मुझे भी डालना है तो उसके रास्ते में उसके पैरों के नीचे फेंक देना, जहां सोल्जर जाता हो, जहां एक सिपाही जाता हो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। और उन्होंने यहां से बात की, अब हम आते हैं असली बात पर। सबसे पहले मेरा मनप्रीत कर्नल शहीद हो गया, मेरे दिल का टुकड़ा शहीद हो गया। कर्नल मनप्रीत साहब की मां का रोदन दिखाते हैं, मेरा पियो चला गया, मेरा दिल का टुकड़ा चला गया, मेरा बेटा चला गया, वो आने वाला था। आप उधर एक दृश्य देख सकते हो, आप एक मेजर साहब के घर का देख सकते हो, कितना बड़ा मातम है, पिता बिलक बिलक के रो रहा है, 3 साल की बच्ची है। और दोस्तों अभी छुट्टी आने वाले थे लेकिन इतनी बड़ी शहादत के पीछे सब लोग गम है, दुखी है। और दूसरी तरफ एक तस्वीर आपके सामने आ रही है जहां पर फूलों की बारिश हो रही है। ऐसा क्या है, फूलों की बारिश हो रही है, लोग फूल डाल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, आखिर क्या था भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, ऐसा क्या हुआ है कि देश को खुशी नहीं नजर आ रही, सिर्फ इनको खुशी आ रही, ये अपनी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि पैरेलल एक साइड आप देश में ऐसा हो रहा है, देश का माहौल विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है और आप उसी दिन उसी समय जहां ऑपरेशन अभी चल रहा है, अभी उनको अंतिम संस्कार भी उनका नहीं हुआ और आपने ऐसा प्रोग्राम रखा और वो भी अपने मुख्यालय में, अपने पार्टी के लोगों में, अपने चार्ट लोगों में। ये होता है दोस्तों, ना मीडिया इसको दिखा पा रही लेकिन इन्होंने बखियां उधेड़ी हैं, अच्छे से बखियां उधेड़ी हैं। सेना के तीन कर्नल साहब हैं, उन्होंने अपनी बात को बहुत ढंग से रखा हुआ है, आप इनका पूरा वीडियो सुनिए, देखिए और समझिए आखिर ये क्यों हैं, आप समझ सकते हो। और हम बात साथ में कर रहे हैं कि लोग वहां पर जो ऑपरेशन चल रहा है तो लोग बहुत बड़ा इनकाउंटर हो रहा है, वहां पर रिटायलेशन जबरदस्त चल रहा है, बिल्कुल जबरदस्त ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है, आप वहां के भी दृश्य देख सकते हो, चारों साइड से अब किसी की कोई नहीं सुन रहा है, अब उनको नेस्ता नाबूद करके ही दम लेंगे। दोस्तों सेना का जब दिमाग में चढ़ जाता है फिर वो किसी की नहीं सुनती है दोस्तों। और ये भी दिन है और लेकिन ये बहुत बुरा लग रहा है, ये कई अखबारों में चल रहा है, कई टीवी आप सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है कि इधर देश में इस तरीके से और
भारतीय जनता पार्टी अपने फूल बरसा रही है, फूलों को सजा रही है, ये क्या है? ये दोष में क्या इस देश के अंदर बिल्कुल भी लोगों के अपनी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान नहीं है क्या? कब दुख मनाना है, कब सुख मनाना है, ऐसा क्या सुख वाली बात है? सब सवाल पूछ रहा, ऐसा क्या हुआ? G20 समिट हुआ, सरकारी पैसा था, लोग आए, सब कुछ खाया पिया, बातें हुई, लेकिन ठीक है, वो अपनी जगह एक अच्छा सक्सेस है, हो सकता है, लेकिन इस चीज़ के साथ उसको जोड़ना कतई सही नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखना और कमेंट्स करना। धन्यवाद। सैल्यूट। जय हिंद। ऑनरेबल प्रेस के मेंबरान, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले मैं अपने साथियों को आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरे राइट साइड में हमारे पुराने बहुत ही जुझारू साथी कर्नल प्रमोद कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, और साथ ही में हमारे कर्नल विजय कुमार परदेशी जी हैं, तो और संजीव जी को आप जानते हैं। ये हमारे वो साथी हैं कि वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई जो हमने जंतर मंतर पर लड़ी है, उसके हमारे पुराने साथी हैं, और जब कभी सेना या देश के ऊपर कोई भी आहत होता है तो ये साथी अपनी आवाज़ उठाने के लिए हमारे साथ हमेशा तैयार रहते हैं। साथियों, कल अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के अंदर आतंकवादियों से लड़ाई लड़ते हुए हमारे तीन जाबाज साथी, एक जॉइंट ऑपरेशन था, इसको हम मिलिट्री की भाषा में कहते हैं हार्ड इंटेलिजेंस मिली, हार्ड एंट बोला जाता है, वो मिली कि मिलिटेंट्स इलाके के अंदर है, तो उन्होंने समय ना गवाते हुए अपनी प्रॉपर ऑपरेशनल ड्रिल के साथ जॉइंट ऑपरेशन किया। इस जॉइंट ऑपरेशन के अंदर 19 राष्ट्रीय राइफल जो कि सिख लाई रेजिमेंट की ट्रुप्स उसके अंदर डिप्लॉयड रहती हैं, तो उन लोगों का और J&K पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। इसके अंदर हमारे बहुत ही जुझारू साथी मनप्रीत सिंह जी जो कि कमांडिंग ऑफिसर 19 राष्ट्रीय राइफल के, उन्होंने अपने दो साथियों के साथ इस ऑपरेशन को फ्रंट से लीड करते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, एक अच्छे भारतीय सेना के, इंडियन आर्मी के लीडर की तरह इस ऑपरेशन को लीड किया, और उसमें उनके कंपनी कमांडर आशीष धोचक जो सिर्फ 34 साल के हैं, और हुमायूं मुजम्मिल भट्ट जो कि J&K पुलिस के DSP हैं, इन्होंने अपनी शहादत दी। और ये ऑपरेशन कल से चल रहा है। सुबह 6:45 पर कर्नल मनप्रीत ने अपने परिवार से बात की थी और कहा कि हमें ऑपरेशंस में जा रहे हैं, और कल लड़ते हुए हमारे जाबाजों ने टेररिस्ट के साथ अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस दी। जब हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे और उनका बलिदान वो देश के लिए कर रहे थे, तो हम मुझे ये कहते हुए बड़े शर्मसार हो रहा हूँ आज कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय अपना महिमा मंडन अपने ही लोगों के द्वारा अपने ही BJP के हेडक्वार्टर में अपना ही महिमा मंडन कर रहे थे और उन पर फूलों की बरसात हो रही थी,
फूल मालाओं से उनका स्वागत हो रहा था और वहां पर हमारे साथी गोलियों से छलनी हो रहे थे, हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे, देश की सेवा में रत थे। मुझे वाकई में ये सोचकर आश्चर्य होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के कैडर्स, बीजेपी के प्रेसिडेंट और बीजेपी के सभी भक्त लोग, क्या उनको अपने देशभक्त सैनिकों का याद नहीं आया? क्या उनको ऐसा नहीं लगा कि उनके साथी जो है वहां पर देशभक्ति में, बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर तो लीन है मोदी भक्ति के अंदर, लेकिन उनकी सेना जो है वो वहां पे लड़ाई लड़ रही है? मुझे शर्म आती है कि हमारे एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो देश को लीड कर रहे हैं, अपना महिमा मंडन करा रहे हैं, और एक तरफ मैं गर्व महसूस करता हूं कि वहां पर कमांडिंग ऑफिसर मनप्रीत सिंह अपनी पलटन को लीड करते हुए, अपने QRTs को लीड करते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी शहादत दे रहे हैं। ये दोनों बातों में बड़ा विरोधाभास है। साथियों, आपको इन तकलीफों का अंदाजा शायद ना हो, हमारे साथियों ने इसी एरिया के अंदर हमने काम किया हुआ है, और इस बेशर्मी की जो मिसाल हमारे मोदी साहब ने जो दी है, उसके लिए मैं आप सब लोगों को एक कुछ वीडियो दिखाकर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं। ये आए में हमारे साथी हैं, परिवार हैं, जो एक तरफ लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद अपनी शहादत दे रहे हैं, उनके परिवार में दुख मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेशर्मी से फूलों को स्वीकार किया जा रहा है, किस तरह से फूलों की मोदी जी पर बारिश हो रही है। शर्म की बात है। और देश की सेना, हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, हमारे वार्ड बहुत सारे सैनिकों के ग्रुप हैं, पूर्व सैनिकों के ग्रुप हैं, सब लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं कि ये कैसे हमारे प्रधानमंत्री है, ये कैसी हमारी सरकार है जो अपने आप को देशभक्त सरकार बोलती है, जो अपने आप को राष्ट्रभक्त सरकार बोलती है, जो अपने सैनिकों के और अपने जो सोल्जर्स हैं उनकी शहादत के ऊपर उनका मान सम्मान ना कर कर उनकी उनकी अवहेलना करके असंवेदनशीलता दिखाकर अपने बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर फूलों की बारिश करवा रहे हैं। शर्म की बात है। साथियों,